दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। मक्खी जैसे वायरलेस ड्रोन रोबोटिक्स में आई नई क्रांति। रोबोट की तकनीक में कई तरह की क्रांतियां आ रही है, जिससे कि दुनिया की रुख ही बदल रहा है। दुनिया की तस्वीर बदलने में तीन भारतीयों समेत कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में दुनिया का पहला मक्खी के आकार का वायरलेस ड्रोन विकसित किया है। आपको बता दें कि यह माइक्रो ड्रोन संकरण जगहों पर आसानी से अपनी पहुंच सकता है। इनकी इस खासियत के कारण से इसे रोबोफ्लाई नाम दिया गया है। इसकी मदद से तंग जगहों पर आसानी से निगरानी की जा सकेगी। इस आपको जानकारी दे दे कि ड्रोन को एलियन स्कूल नेटवर्क, मोबाइल सिस्टम लैब्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स ने एक साथ मिलकर तैयार किया है। जानकारी दे दे कि इन्हें नन्हे रोबोट ऑटोनॉमस इंसेक्ट रोबोटिक लैब में तैयार किया है। इस रोबोट को रोबोटिक्स के फील्ड में यह एक नई उपलब्धि मानी जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि रोबोफ्लाई में मक्खी की तर्ज पर छोटे आकार के पंख लगाए गए हैं, जो इसको उड़ने में मदद करते हैं। बता दें कि यह दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो वायरलेस है। जानकारी दे दें कि इसको पावर सप्लाई देने तथा नियंत्रित करने के लिए किसी तरह की तार की जरूरत नहीं है। इसमें अपने आप को नियंत्रण करने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं। ये ड्रोन पूरी तरह से वायरलेस तकनीक पर आधारित है। बता दें कि ये टूथपिक से भी छोटे अल्ट्रा लाइट सर्किट से बनाया गया है। रोबोफ्लाई